नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। शहरी इलाकों से निकल अब कोरोना संक्रमण ने पतंजलि योगपीठ से जुड़े संस्थानों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया। और अपनी दवाओं के माध्यम से कोरोना को मात देने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि में आखिरकार कोरोना ने न केवल दस्तक दी बल्कि महज डेढ़ माह के भीतर 115 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई से 22 जुलाई के बीच पतंजलि योगपीठ में 42, योगग्राम में 28 जबकि आचार्य कुलम में 9 लोगों को कोरोना ने अपनी जद में लिया है। सीएमओ डॉक्टर एसके झा का कहना है कि ये मामले एक साथ एक दिन में सामने नहीं आए हैं बल्कि डेढ़ माह में 115 पॉजिटिव 3 अलग अलग जगह पर मिले हैं। 10 अप्रैल से ज्यादा 83 मामले आए हैं। पतंजलि में इतनी अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पतंजलि के महत्वपूर्ण लोगों का कोविड टेस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का भी जल्द कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य विभाग के पतंजलि में आए कोरोना संक्रमण के आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पतंजलि में मिले हैं। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना का चाहता हूँ। न तो योगग्राम में, न पतंजलि योगपीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए, उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया, जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है कि पतंजलि में किसी भी तरह से कोई कोरोना है। यदि कोई व्यक्ति आ रहा है पतंजलि उपचार के लिए एक प्रिकॉशन के तौर पर, जिस तरह से महामारी एक सुनामी की तरह फैल रही है, और ऐसे में हम क्या बिना टेस्ट किए रोगियों को अंदर भर्ती कर लें? ये गलत बात है। क्या बिना टेस्ट के ही विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं? हमने प्रोटोकॉल के तहत जो टेस्ट किए कि प्रवेश से पहले आपको का परीक्षण होगा, उसमें कुछ केस पॉजिटिव आए, कुछ उसमें ट्रीटमेंट करके चले गए, कुछ जो है अपने घर चले गए क्वारंटीन होने के लिए। अब इसमें कोरोना पतंजलि में फैला, ये बात गलत है। क्योंकि एक हमने कोविड के टेस्टिंग के लिए सेंटर बना रखा है पतंजलि योगपीठ फेज 2 में, वो भी, और वहां से जो नेगेटिव आता है उसी को हम अपने यहाँ उपचार के लिए या हमारे शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के लिए प्रवेश देते हैं। ये 100% झूठ है, अफवाह है कि पतंजलि में कोई कोरोना। हम तो पूरे देश और दुनिया का कोरोना में ठीक करने में लगे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।